नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। राजनीति में आज बात करेंगे उस नफरत की आग की जिसमें इंसानियत, अमन, चैन, आपसी भाईचारे को झोंक दिया गया। बात फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों की। इस साल फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 100 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, 650 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने दंगों में मारे गए अमीन, भूरे अली, ऐसे तमाम सवालों पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय चड्ढा, बीजेपी नेता हरिहर रघुवंशी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एन साई आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय चड्ढा जी, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे कानूनी पहलू समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो धारणा बन रही है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, क्या कोर्ट इसमें कुछ कर सकता है? देखिए, मैं से अहम बात ये है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ये जो चार्जशीट है उसको मैं देख रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं, ये बात कट्टर हिंदू एकता परिषद एकता वाला ग्रुप बात देख ली। दूसरी ओर जो हमारे बीजेपी के थे उन्होंने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो व्यक्ति है वो नहीं है, तो कहां दोनों पक्ष के लोग यहां पे इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। ये मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि अगर हम ये कहेंगे कि पुलिस सही काम नहीं कर रही है, पहली चीज हम अगर ये कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो इन लोगों का ऑब्जेक्टिव हम मीट आउट कर रहे हैं ये बता के। मेरा मानना यह है, देखिए यही कारण है कि आज इस हिंदू एकता ग्रुप के लोग पकड़े गए हैं, यही कारण है कि ताहिर पकड़ा गया है। दोनों अलग 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 बैकग्राउंड के लोग, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और जिस तरह का एक्शन हमने एक पक्ष पे देखा, उस तरह का एक्शन हमने यहां नहीं देखा है। एनसाई बालाजी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? एनसाई, कोर्ट का मसला है कि आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी। अब कोर्ट पर ही आ जाते हैं। संजय चड्ढा जी, आप मुझे बताइए, चार्जशीट तो दाखिल हो चुकी है, अब यहां से कोर्ट में क्या होगा? देखिए, पहली बात, ये चार्जशीट 90 दिन के भीतर में लाजमी दाखिल होनी चाहिए, जो 90 दिन में हुई है, शायद प्रॉम्प्ट तरीके से। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस भी थे, सर्कमस्टेंसेस ये थे कि कोविड पीरियड में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके इसको फाइल किया। अगली इसके बाद हो सकता है और इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो, पहली चीज। उसके बाद इसका ये यहाँ पे चार्ज फ्रेम किया जाएगा और उसके बाद उनका ट्रायल होगा और वहां पे ये देखा जाएगा। ये केस है प्रोसिक्यूशन का कि ये लोग इन्वॉल्व है। अब ट्रायल होगा वहां पे, जो हमारे जज साहिबान लोग हैं वो जिन कोर्ट में, क्योंकि 111 चार्जशीट दाखिल हुई है, पता नहीं किस इलाके की है, तो जिस कोर्ट में होगा उस कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा और उस ट्रायल को साक्ष्यों के आधार पे लोगों को, यानी कुल मिलाकर कन्विक्शन रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोर्ट का रूप क्या रहेगा, केस कितना मजबूत होगा, एविडेंस कितने मजबूत होंगे, इस पर पूरे आगे सुनवाई होने जा रही है। संप्रदाय से हो, किसी भी पार्टी से हो, संजय चड्ढा जी, अभी जो कुछ हुआ है उसे आपको नहीं लगता कि एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है इस पूरे दिल्ली दंगे को? मजहबी रंग तो बहुत पहले शुरू हो गया था। देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्टूडेंटों को जो यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं उन लोगों को राजनीति में घसीट के अपना हित साधा। संजय जी, अपनी बात करने दीजिए। शांति, देखिए इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल। मैं देखिए, और किसी भी पक्ष, दोनों पक्षों ने मजहबी रंग देने का प्रयास किया है, कोई पक्ष पीछे नहीं हटा है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, मैं कहूंगा कि इस तरह की चीज हम लोगों के समक्ष आ रही है। आज 70 साल की मैच्योर डेमोक्रेसी के समक्ष हमारे सामने ऐसी चीजें आ रही हैं और हम लोग आज भी हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं। कितना कष्टदायक है ये देश के लिए और देश के भविष्य के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है। कानूनी तौर पर दोनों, मैं बातें बताना चाहूंगा, एक बार फिर से जोर देके कहना चाहूंगा कि 90 दिन में ये चार्जशीट फाइल होनी थी, जो 90 दिन में फाइल हुई, पहली चीज। चलिए, दूसरी, अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आएगी जी, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जो अभी भी मिसिंग है। आप ये पूरा प्रोसीजर बता चुके हैं और उस पर भी हमारा हो रहा है। इसलिए संजय चड्ढा जी,
क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ दिल्ली दंगे का सच भी लोगों से छुपा रह जाएगा, एक तरफा कार्रवाई की तरह रह जाएगा, जिस तरह से जेएनयू कांड में हमने देखा था? देखिए, मैं विभूति नारायण जी जो कि पुराने एक एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए पुलिस के सिस्टम में, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए, जो कई बार ऐसा दिखता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने से बिल्कुल यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि गलत है। तो राष्ट्र के लिए सही नहीं है, हमारे हमारे दिल्ली के लिए सही नहीं है। बिल्कुल सही, जो दोषी है उनको सजा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आप सबकी निगाह कोर्ट पर टिकी हुई है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, 650 से ज्यादा लोगों को आरोपी दिल्ली दंगों में बनाया जा चुका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक पक्ष के खिलाफ तो आपने कार्रवाई